देखे मिश्रा जी जिंदाबाद, देश देखे मिश्रा जी जिंदाबाद, देश मंदिर अयोध्या मथुरा अस्सी बनाम बीस का जिक्र कर रहे हैं। आज इसी पर मैं चर्चा करूंगा, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। एके मिश्रा जो कि राजनीतिक भविष्यवाणियां बेबाक अंदाज से करते हैं, नाम के मिश्रा जी भी हैं, पंडित जी भी हैं और राजनीतिक पंडित भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ लेकिन मैं जिस गणित का जिक्र करने वाला हूं, और एके मिश्रा मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा क्योंकि मसला अब यह राजनीतिक नहीं है और सियासी गणित पे भी चीजा है। मैं आंकड़ा देख रहा था एके मिश्रा, आंकड़ा देख रहा था 2017 का, जहां पर ओबीसी ने 58% बीजेपी को वोट दिया, 58%, यानी कि एक तरफा बीजेपी के साथ वोट बैंक खड़ा हो गया, क्योंकि बीएसपी को 11% और अन्य को 13% था। लेकिन आज पिछड़ों की राजनीति में अखिलेश आगे दिखाई दे रहे, राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो या पटेल मैडम हो, ये कुनबा बढ़ाते हुए अखिलेश यादव क्या संकेत दे रहे हैं और इस सियासी भूकंप के मायने क्या हैं? एके मिश्रा, देखिए हार जीत किसकी होगी उसकी अभी मैं कोई परिकल्पना या भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मेरे तरफ से सभी को शुभकामनाएं, और मैं पहले ही ये मान लेता हूँ कि डेफिनेटली बीजेपी के लिए चुनौतियां नई और डिफरेंट तरीके की हैं, वो हर पार्टी के लिए होता है, हर चुनाव में चुनौतियां नई होती है। रही बात जो ये कुनबा बना रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा नेता जहाँ पे बाप और बेटे एक नहीं हो पाए, चाचा भतीजे एक नहीं हो पाए, पैर छूने के बाद बहन जी एक नहीं हो पाई, एक दिल्ली से लड़का गया था, एक यूपी का लड़का था, दो लड़के एक नहीं हो पाए, तो 50 लोगों को लेके 50 भेड़ियों का झुंड बना के केवल हुआ हुआ करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। रही बात भूकंप की बात है, तो अगर भूकंप आ रहा है, भूचाल आ रहा है, तो भूकंप रोधी राजनीतिक बिल्डिंग्स भी होती है जो राजनीति के 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप के झटके को सह लेती है। और मैं इस चीज को मानता हूं, मैं बेबाक बोल रहा हूं और लॉजिक के दम पे बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने यही चुनौती है और वो इसको मैनेज कर ले जाएंगे, क्योंकि उनका तंत्र बहुत अच्छा है। ये अब तंत्र अपना बना रहे हैं, एक हो रहे हैं, वो पहले से ही उन्होंने बहुत सारी चीजें बूथ लेवल पे एकदम मजबूत करके रखी हुई है। तो पड़ना अभी भी मुझे बीजेपी का पड़ रहा है, लेकिन शुभकामनाएं मैं जरूर दूंगा, प्रयास सबको करना चाहिए जितने अच्छे तरीके से हो सके। यानी मिश्रा जी आप ये कह रहे हैं इन सियासी भूकंपों से बीजेपी नहीं हिल रही है? नहीं नहीं, देखिए भूकंप रोधी जो बिल्डिंग होती है ना, हलचल तो उसमें भी होती है लेकिन नुकसान नहीं होता है, बिल्डिंग गिरती नहीं है, ध्वस्त नहीं होती है बिल्डिंग, जमीन दोष नहीं होती है, वो खड़ी रहती है। और भूकंप के झटके 1-2 सेकंड के लिए होते हैं, तो राजनीतिक भूकंप के झटके 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए होते हैं। जो देखिए ये जितने चेहरे आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी भी पार्टी के हो, इनका कोई जो है इनका कोई इथिक्स नहीं होता है। ये कल को पता चला किसी और पार्टी से मिला, कल हो सकता है ये राजभर जी के साथ चले जाए, अगर राजभर जी इनको ऑफर दे दे कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो बहुत खुश होने की इसमें बात नहीं है। और दूसरी चीज जो आपने बोला कि बीजेपी के बड़े चेहरे, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बीजेपी के बड़े चेहरे थे? कभी इन्होंने बीजेपी को लीड करते हुए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने इनसे करवाई? अगर ये बीजेपी के लिए मुख्य और इम्पोर्टेंट चेहरे होते तो बीजेपी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको आगे करके करवाती। दीपचंद राठौर जी, मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये भूकंप रोधी झटके जो है ये महसूस नहीं होंगे, भूकंप के झटके महसूस नहीं होंगे बीजेपी को, बीजेपी का किला बहुत मजबूत है। थोड़ा सा मैं बताना कि बीजेपी का किला मजबूत है या नहीं है, ये तो हमें 2022 में पता लग जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की उपेक्षा के कारण भाजपा की पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, किनार होता जा रहा है, और जब युवा रोजगार लेकिन मिश्रा जी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सामने अभी मिश्रा जी ने कहा ना कि मिश्रा जी आपके सामने कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मिश्रा जी के कहने या मेरे कहने या चावड़ा साहब आपके कहने से क्या होगा, जनता जनार्दन है। देखो हमारे लोग की खूबसूरती यही है कि कब किसको कहां बैठाना है, ये तो जनता तय करती है। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले जो उपचुनाव हुए थे उसमें 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, अगर आप मजबूत हो रहे हैं तो ये सपा में क्यों जा रहे हैं? हमारी लड़ाई देखो मैं आपको बताना चाहूंगा चावड़ा साहब, हमारी लड़ाई धर्म जातिवाद पे ना होकर हमारी लड़ाई मुद्दे की लड़ाई है, असलियत मुद्दे जो होते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा महंगाई का मुद्दा है, किसानों की आवाज पर है, बेरोजगारी पर है, रोजगार है,
इसकी गिरती अच्छा जीडीपी चलिए मैं पूछ लेता हूँ संदीप दुबे से, अभी सपा के नेता मेरे साथ ज्वाइन करेंगे पूछ लेता हूँ। लेकिन एक कमेंट आया और मैं चाहूंगा, ये व्यक्तिगत कमेंट नहीं, लिखा हुआ है एके मिश्रा और संदीप दुबे दो दो बीजेपी के प्रवक्ता बिठा रखे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एके मिश्रा राजनीतिक पंडित है, बीजेपी के नेता नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। ओके व्यक्तिगत कमेंट नहीं, मैं चाहूंगा लोगों से कि व्यक्तिगत कमेंट नहीं एके मिश्रा को लेकर। संदीप दुबे जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप एके मिश्रा की भविष्यवाणी को सुनने के बाद कि हम तो भैया किला हैं, ऐसे कई भूकंप के झटके हम झेल लेंगे। लेकिन वाकई में दिल्ली में महसूस नहीं हो रहा कि सियासी भूकंप के झटके लखनऊ में हो रहे हैं? एके मिश्रा जी मैंने पूछा 80-20 क्या है, इनके नेता कुछ और बताते हैं, यहां बैठकर कुछ और बता रहे हैं। 80-20 पूछा तो कह रहे हैं कि 80 जो अच्छे लोग, 20 जो बुरे लोग, ये 80 और 20 का फॉर्मूला क्या है? और ये कह रहे हैं कि जातियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए चावला जी, सबसे पहले तो जो एक हमारे मित्र ने जो कमेंट किया था मैं बता दूं, मैं शुभकामना कभी बीजेपी को नहीं देता हूं जीतने के लिए, शुभकामना मैं शुरू में ही हमेशा विपक्ष के पार्टियों को देता हूं, सपा बसपा कांग्रेस, मैं शुभकामना कभी बीजेपी को नहीं देता हूं जीतने के लिए, शुभकामना मैं शुरू में ही हमेशा विपक्ष के पार्टियों को देता हूँ, सपा बसपा कांग्रेस। नहीं आप व्यक्तिगत मत लीजिए एके मिश्रा जी, मैंने क्लियर कर दिया, आप व्यक्तिगत मत लीजिए। नहीं हो सकता है कि वो आपका प्रशंसक हो, वो कुछ और उम्मीद कर रहा हो, आपने कुछ और बोल दिया हो सकता है कि वो बीजेपी आप जी हो सकता है आपका प्रशंसक होगा। प्लीज कंटिन्यू। देखिए 80-20 80-20 80-20 का फार्मूला सबसे पहले माननीय कांशीराम जी ने दिया, खूब मलाई खाई साहब, सरकारें बन गई, हाँ उनका फार्मूला तो पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। भाजपा ने जो अभी 80-20 का फार्मूला दिया है उसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, 80% वो लोग हैं जो किसी भी जाति या धर्म के हों, गरीब रहे हैं, शोषित रहे हैं, पिछड़े रहे हैं। 20% में वो लोग आते हैं जिनको सब्सिडी धुआंधार मिली हो, तीर्थ यात्रा करने के लिए सब्सिडियां मिली हो, बाहर जाके तीर्थ यात्रा करने के लिए सब्सिडियां मिली हो, गल्फ में खूब लूट घसोट की हो, पुलिस प्रशासन को जो है भैंस ढूंढवाने में लगवा दिया हो, जिन्होंने सैफई में खूब ढेर सारे डांस प्रोग्राम, डांस क्या वो तो मुजरा था, करवाया है। ये 20% लोगों का ये कुनबा है। अब मेरे ख्याल से अच्छा। क्लियर हो गया होगा, अब 80 और 20 का नहीं होगा लड़ाई। 80 और 20 का होने का मतलब है 80% वो लोग जो आज तक सुख सुविधाओं और सरकारी सुविधाओं पैसों से वंचित थे, आज उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, वो 80% लोग हैं। और जो लोग स्कूल से गायब हो गए, मदरसों से गायब हो गए, वो 20% लोग हैं, वो किसी भी जाति धर्म के हो, आधार कार्ड अच्छा। लिंक होती ही जो लोग गायब हो गए इस ब्रह्मांड से, उनका अस्तित्व ही नहीं था, वो 20% लोग हैं। बहुत सिंपल, बड़ा सिंपल, अच्छा। क्या नहीं दे सकता, गजब सिंपल फॉर्मूला। समझ में आया दीपचंद राठौर जी, ये 80-20 का फॉर्मूला समझ में आया जो मिश्रा जी ने समझाया? वो कह रहे बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, ये 80-20 का, 80-20 का। चावला जी मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं कि दुबे जी और मेरे बड़े भाई साहब एके मिश्रा कहीं ना कहीं वाक्य में भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा है, ये स्पष्ट बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सोच क्या है सर, शुभकामना देश के बारे में सोचे हो साहब, आप क्यों देश को बांटने पे तुले हुए हो, इस देश के साथ गद्दारी करके जिंदाबाद, इस देश को जिंदाबाद बोल रहा अभी बताता हूँ देश के बारे में कितना सोचा जा रहा है। एक सेकंड अब मुझे एक बात एके मिश्रा समझाइए, जिस मुद्दे पे मैं आ रहा था, ठीक है उन्होंने कहा कि गोडसे भी जिंदाबाद, मैं अभी उस विषय में नहीं आ रहा, लेकिन एके मिश्रा मुझे एक बात समझाइए, ये जो मंडल और कमंडल देश की सियासत को दोनों ने प्रभावित किया, अब जो मंडल और कमंडल की सियासत दिखाई दे रही है, 80-20 का जिक्र किया जा रहा है और सीधे तौर पर सियासत के तराजू में जातियों को तोला जा रहा है, 2017 में भी तोला गया था जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। मेरा यही सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ मंडल है और दूसरी तरफ कमंडल, दिल्ली से खबर यह आ रही है
कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि अयोध्या से चुनाव लड़े। एके मिश्रा मेरे साथ जुड़ेंगे, एके मिश्रा। मेरा सवाल वही था, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैंने कहा मंडल और कमंडल की सियासत दिखाई दे रही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? वो दौर जिसने मंडल और कमंडल की सियासत को पूरे देश ने प्रभावित किया, अब खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आखिरकार मंडल और कमंडल की राजनीति का असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? चावला जी, आपकी डिबेट बड़ी इंटेलेक्चुअल होती है और इसीलिए आपके साथ वार्तालाप करने में मुझे मजा आता है। एक मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दीजिएगा, दोनों मित्र मेरे थोड़ा शांत रहे। दो चीजें बड़ी उभर करके सामने आई हैं, एक तो देशद्रोही कौन है ये मुद्दा, और दूसरा गोडसे गांधी जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला मुद्दा। इसको मैं पहले क्लियर कर दूं। देखिए है क्या साहब, हम सनातनी है, सनातन का सिद्धांत है। भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण की मृत्यु के बाद बोला कि आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो उससे सारे वैर, उसके सारे पाप कर्म अपने आप खत्म हो जाते हैं। वहां पे फिर कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता है। मृत आत्मा को हमेशा पवित्र माना जाता है क्योंकि वो परमात्मा में लीन हो जाता है, चाहे गांधी हो चाहे गोडसे हो। तो ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि बार बार गोडसे मुर्दाबाद या जिंदाबाद के नारे लगवाने चाहते हैं। उनको सनातन का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इस देश की संस्कृति समझनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देशद्रोह कौन है? देशद्रोही ये कानून तय करता है, कोर्ट तय करता है, हम कोई नहीं है। ऐसे लोगों को मैं सांस्कृतिक विचार द्रोही जरूर बोलूंगा, सांस्कृतिक द्रोही बोलूंगा, भारतीय विचार जो है उस विचार का द्रोही जरूर बोलूंगा, क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ का जो विचार हजारों साल से पुराने पवित्र विचार है उसके खिलाफ बोलते हैं। अब मैं आता हूँ आपके मंडल और कमंडल पे। देखिए मंडल और कमंडल का क्या है, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि भारत की जो सामाजिक संरचना है ना, उसमें आप जाति धर्म इन सब चीजों को हटा नहीं सकते हो। बड़ी बड़ी पार्टियों ने कोशिश तो कर ली, अभी तक नहीं हुआ। मंडल और कमंडल का असर दिखाई देगा या नहीं? हाँ बिल्कुल दिखाई देगा, पहले भी दिखाई दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है मंडल के दम पे ही वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अदरवाइज वो नहीं बन पाते। तो अगर मंडल में इतना दम है तो कमंडल में तो बहुत जबरदस्त दम है साहब। उसका पानी निकाल के जहां छिड़केंगे और जो जो परिकल्पना जो संकल्प लेके छिड़केंगे वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर मंडल में इतना दम है तो कमंडल तो बहुत दिव्य चीज है। कमंडल का इतिहास शायद पता नहीं है, मैं इतिहास बताने लगूंगा। ये गंगा जी कमंडल से ही निकली है, आपको पता नहीं होगा। और कमंडल के चमत्कार मैं आपको अगर बताना शुरू करूंगा तो 12 घंटे बीत जाएंगे कि कमंडल में कितनी पावर होती है, कितनी शक्ति होती है और उसके चमत्कार। एक एग्जांपल दिया कमंडल के चमत्कार का कि गंगा जो जीवन दायनी है, पतित पावनी है, वो कमंडल से निकली है। तो मंडल की तो विसात ही नहीं है कमंडल के आगे। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि मंडल कमंडल की सियासत है लेकिन कमंडल भारी पड़ेगा। ओके, आशु आबादी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लाखों साल से कमंडल जो है लोगों के कल्याण, वो कह रहे हैं कि जिनको शामिल कर रहे हो तो गद्दार है, ऐसे ही वफादार नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं जब दूसरे के कोई दूसरी पार्टी में जाता है, ऐसे सब लोग बोलते हैं इनकी कोई गलती नहीं है। जब हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारा कुनबा बढ़ रहा है, ये ना तो कुछ चाहिए बोलने के लिए। मिश्रा जी कह रहे हैं अपना परिवार तो संभाल नहीं पाए, सब हमारे साथ है, परिवार हमारा बढ़ गया जी, हमारा परिवार रोज बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं जिनके पैर उनके पैर के नीचे से जमीन। चाचा जी का क्या हुआ? चाचा जी हमारे साथ है, आपको साथ चैनल नहीं देख रहे हो, टीवी ना देख रहे हो, चाचा जी हमारे साथ है। नहीं ये वो वाला देखते हैं रोज देखते हैं, मैं देखता हूँ। मिश्रा जी वो वाला देखते हैं जो गोद में है, जी मुस्कुराइए मत, देखते हैं। चाचा जी साथ है, चाचा जी साथ है, आशीर्वाद सबका साथ है, सब मिलकर साथ लड़ रहे हैं। अच्छा चाचा भी साथ है जी, चाचा भतीजे दोनों साथ हैं, सब साथ हैं जी। सबको डिप्टी सीएम बना दोगे? वो माननीय जी का जो आदेश होगा, जो उनका मान होगा, सम्मान होगा, उन्हें मिलेगा। तो ये मिश्रा जी क्यों कह रहे हैं कहीं का ईट कहीं का रोड़ा? अभी ना कुछ तो चाहिए बोलने के लिए, हमारा परिवार बढ़ रहा है, इनका परिवार टूट रहा है, तो इन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए। अरे सर आपने तो जनसंख्या इतनी बढ़ा दी है कि पूरा देश संकट में आ गया है, इतना परिवार मत बढ़ाइए, तो खतरा ही पैदा करेगा।
सबका वेलकम, आपका भी वेलकम है, आप भी आइए हमारे परिवार में, हम आपका भी वेलकम करेंगे, दिल से इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे, हमें सब लोग चाहिए, हमें सबकी वोट चाहिए। अरे सुनिए, हमारा कुटुंब सारा विश्व है, आप उसकी चिंता, हमारे परिवार में सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नहीं नहीं नहीं, ये बीजेपी वाले लग रहे हैं आबादी जी, ये बीजेपी वाले हैं नहीं, ये दरअसल राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं। मिश्रा जी बीजेपी वाले हैं नहीं, हाँ आपको बीजेपी वाले, हाँ इन्होंने भाषा बोल दी ना, इस वजह से मैं बोल दिया जी। अच्छा पिछली बार बोला राज मत, एके मिश्रा मैं यही बात तो कह रहा था, मंडल और कमंडल की लड़ाई, मंडल और कमंडल की लड़ाई, यही बात आप संदीप दुबे कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि मंडल कमंडल, यहाँ तो लड़ाई सीधे तौर पर मंडल वर्सेस कमंडल दिखाई दे रही है। एके मिश्रा चावला जी, मैंने ये नहीं बोला कि लड़ाई मंडल और कमंडल की नहीं है, मैं ये भी बोला था कि कमंडल के प्रताप सिंह ने सरकार भी बनाई है, मंडल का कॉन्सेप्ट भी प्रिंसिपल, मैं ये बोल रहा मंडल की कोई विशेष, मंडल की दिव्य शक्तियों को जान लीजिए जितने जल्दी हो सके, पहले दे चुका हूँ। उसके बाद अब मैं दूसरी चीज, देखिए हमारे सपा के हम सपा विरोधी है, ऐसी पता नहीं क्यों लोगों की भावना जाती है, भाई मेरे से बड़े सपाई आप नहीं, आप तो छोटी सी टोपी पहन के, मैं तो पूरा लाल लाल पहन के बैठा हूँ, मेरे से बड़े वाले नहीं है, यानी आपकी आवाज, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है एके मिश्रा, एके मिश्रा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं ये बोल रहा था मेरे से बड़ा सपाई, मेरे से बड़ा लाल सलाम, मेरे से बड़ा धर्म निरपेक्ष, मेरे से बड़ा सिद्धांत कोई नहीं है, मैं तो पूरा लाल लाल पहन के बैठा हूँ, आप तो छोटी सी टोपी लाल लगाए हुए हैं। चलते चलते मैं एक चीज और बोल दूं, इसको समझ के खुश मत होइए, जो चेहरे पर मुस्कान बोल सपाई है उसे जितने दोहा बोल रहा हूँ, तेरे लाल की जित देखो लाल की देखो कोई लाल सकते हैं तो समझ लीजिए। ओके, जो भी विषय हमारे साहब निजाम की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कह दिया, बता दीजिए ना सर, क्या आप विषय को विषांतर कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मैं 80 और 20 का मतलब बता रहा हूँ, चर्चा कर रहे हैं वो विषय ये है, 80 और 20 का मतलब बता रहा हूँ, नए दौर में हम मिलके लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी है। ओके ओके, एके मिश्रा, एके मिश्रा आप देखिए आप कैसे डिफेंड करेंगे, हमने निजाम का एक ही कहानी पढ़ी है, इस देश के शिक्षा समाज से भी दीपचंद राठौर साहब।